अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, लोगों से मोहब्बत करने में और उनकी ज़ात का आदी होने में बहुत फ़र्क है। जब आप मोहब्बत करते हैं ये इतना नुकसानदेह नहीं होता। मोहब्बत करने पे आपको कोई नुकसान नहीं होता जितना उस ज़ात का आदी होना है। आदी होना एक लत है और लत आपको तकलीफ देती है। किसी भी तरह का नशा सबसे पहले आपसे आपकी ज़ात छीनता है। ऐसे ही किसी इंसान का नशा भी आपसे आपका अपना आप छीन लेता है। आप उस पर अनजाने में रिलाई करना तो शुरू कर देते हैं, उस आम इंसान का होना भी उतना अहम हो जाता है कि आप अपना ख़ास तबाह कर देते हैं। ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। आपकी सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आप सब में होकर भी तन्हा हो जाते हैं। आप एक मनफी इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। आप खुद पर यकीन खो देते हैं। यहाँ गलत कौन है दोस्तों? यहाँ गलत आप हैं। आपके गलत तर्ज अमल ने आपको तकलीफ दी है। दीन हमें एतदाल सिखाता है, बैलेंस करना सिखाता है, हमें मायने रवि सिखाता है। यही सब चीज़ें हमें एडिक्टेड नहीं होने देती किसी भी चीज़ की। वो हमें ज़रूरत के तहत डीलिंग करना सिखाता है। वो हमें बताता है हमेशा तुम्हारा मनपसंद इंसान नहीं होगा, उसकी रिप्लेसमेंट पर भी तुम्हें पुरसकून रहना है। क्या आपको समझ आता है ये जो ईमान वालों की सिफत है ये क्यों हमें बताई गई? जब आप अल्लाह को अपनी लिस्ट में हकीकतन ऊपर ले जाते हैं और बाकी सारी लिस्ट नीचे रह जाती है पर अल्लाह ऊपर आ जाता है तो आप किसी के भी एडिक्टेड नहीं होते। आप टूटते नहीं, कोई भी आपको धोखा दे आप टूटते नहीं। आप इंसानों में जलील नहीं होते। अल्लाह की मोहब्बत देखिए, वह हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज करता है और हम खुद को मजरूह कर बैठते हैं। अल्लाह ने आदम की औलाद को इज्जत दी पर औलाद आदम खुद पस्ती पर माइल हो जाए तो इसमें क्या हो सकता है, किसका कसूर हो सकता है? ताल्लुकात निभाइए दोस्तों पर उनके ताबे ना हो जाएं। खुद को दीन के ताबे करें, अल्लाह के ताबे करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ताबे करें। यह आपकी तिजारत है, यही आपकी तिजारत है, ये आपका सौदा है। इससे कम पर तिजारत नहीं हो सकती। जब आप हकीकतन अल्लाह के हो जाएंगे ये सारा जहां आपका हो जाएगा। ताल्लुक सोच समझ कर बनाइए, कहीं ये आपकी सारी सोच समझ ही ना खरीद ले। खुद को आदि करना है तो रब से गुफ्तगू के लिए करें, तिलावत कुरान के लिए करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का करें, नेक लोगों की सोहबत का करें। हम अपनी आदतें खुद ख़राब करते हैं, उनको ठीक भी हमने खुद ही करना है। दोस्तों याद रखिएगा, मोहब्बतों में हदें अच्छी लगती हैं, बस अल्लाह से मोहब्बत बेहद अच्छी लगती है, बेहद अच्छी लगती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज़ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। रोज़ाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हसूल के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसनाज, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।